नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। और जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सरकार अपनी उपलब्धियों को साझा करने की कवायद भी शुरू कर गई है। प्रदेश सरकार के बड़े चेहरे भी सरकार के कार्यकाल को बेहतर बताते हुए विपक्ष पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे ब्यूरो हेड नितिन कुमार ने उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा से खास बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। विपक्षी दल लगातार सरकार के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाने में लगी हुई हैं। बात करी जाए किसानों की, तो किसानों के मुद्दे पर सबसे ज्यादा सरकार को घेरने का जो प्रयास है वो विपक्षी दलों का है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा जी। सर, विपक्ष कह रहा है कि जो आप लोगों ने जो गन्ने का दाम बढ़ाया है, वो कह रहे हैं कि 450 तक की मांग थी किसानों की, लेकिन आप लोगों ने 5 साल में 25 रुपये बढ़ाए, और ये कहीं ना कहीं आप लोग की विफलता है। क्या इस तरह के प्रयास जो विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं, ये आने वाले चुनाव में उन्हें फ़ायदा पहुँचा सकते हैं? देखिए, किसान हमेशा सही चीज़ का मूल्यांकन करता है। आज हमने 25 रुपये बढ़ाया है। आप ये मान कर चलें कि हमने जो किसानों के पैसे का भुगतान है वो अधिकतम पैसे का भुगतान किया है, उनके समय का भी बहुत सारा पैसा बाकी था जिसका हमने भुगतान किया। इसके अलावा तमाम बंद मिलों को हमने चालू कराया है। गन्ने का मूल्य बढ़ने की अपेक्षा यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ज़्यादा लोगों को महत्व मिले, ज़्यादा बंद मिले चल जाएँ, ज़्यादा मिले काम करें, इनके आवर्स बढ़े हैं, क्षेत्र बढ़ा है, यील्ड बढ़ी है, पर कैप्टा मिठास वाले गन्ने बढ़े हैं, शक्कर का उत्पादन बढ़ा है, माने हर क्षेत्र में गन्ने के क्षेत्र में विकास हुआ है। आज हम कह सकते हैं कि गन्ने के क्षेत्र में इन 5 सालों में जितना विकास हो गया, जितनी बंद चीनी मिलें चल गई हैं और जितनी अधिक समय में चल गई हैं, वह सब किसान के लिए है और किसान के फायदेमंद है। ये जितने राजनीतिक कहने वाले लोग हैं, इनकी भी सरकारें रही हैं, तब इन्होंने क्या बढ़ाया? तब तो नहीं बढ़ाया, और हमको 450 बताने लगे तो, और इसलिए ये सब राजनीतिक क्षेत्र की बतकही है, उसका कोई लाभ नहीं। हम तो किसान के हित में काम करने वाली हमारी सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, हमारा सोच सीधे किसान को का कैसे भला हो, कैसे हित हो। और गन्ना किसानों के लिए ये सर्वाधिक है कि कोई मिले बंद ना हो, गन्ना फूकना ना पड़े, सभी जब तक रहे तब तक गन्ना खड़ा रहे खेत में, तब तक मिले चलती रहें, ये हमारा काम है और ये हमने किया है, मूल्य भी बढ़ाया है। सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आने वाले दिनों में जो किसान हैं उन्हें और इस विभाग से कितना लाभ मिल सकता है? निश्चित रूप से बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि हम साधन सहकारी समितियाँ हमारी जो हैं जो प्रत्येक नए पंचायत में हैं, ये अभी एक ही काम करते हैं कि किसान की आवश्यकता पर उसको खाद बीज देती हैं और उसका जो उत्पाद तैयार होता है उसको मार्केट देते हैं। लेकिन इससे भी हम आगे बढ़ रहे हैं, सहकारी समितियाँ भी बढ़ाएंगे, अभी न्याय पंचायत स्तर पर इसको और नीचे ले जाएंगे, भंडारण की सुविधा भी वहाँ देंगे, और इसके अतिरिक्त हम ये करने जा रहे हैं कि इन साधन सहकारी समितियों पर किसान के उपयोग की जो आवश्यक वस्तुएँ जो है वो उसको वहीं मिल जाएँ, उसको बाजार ना भागना पड़े, छोटी छोटी चीज़ें सस्ते दाम पर वहाँ मिल जाएँ, और यदि उसके पास पैसा ना हो तो हमारे यहाँ जो लोन मिलता है उस लोन से उसका भुगतान हो जाए, माने किसान की हर आवश्यकता पर हम खड़े दिखें, ये हम प्रयास करें। ये जो सर आखिरी सवाल है मेरा कि किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें भी लगातार विपक्षी दल जो हैं वो आग में घी डालने का काम करते हैं और कर रहे हैं। अभी बीते दिनों भी देखा गया, जब भारत बंद किसानों ने किया था तो उसमें भी उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, विपक्षी दलों ने सपोर्ट पूरी तरह से किया, तो इसका कितना नुकसान बीजेपी को हो सकता है या इसका किसका जो फ़ायदा है वो किसानों को या फिर विपक्षी दलों को मिल सकता है? किसान बहुत समझदार है, और आप जान लीजिए 14, 17, 19 अभी किसान और इन्हीं सारे लोगों का किया हुआ परिणाम है कि हम तीनों जगह दोनों जगह हमारी सरकारें हैं। जहाँ तक सवाल इस बात का है कि इनका धरना प्रदर्शन आंदोलन, आप इनकी मांगे देख लें, आप इनकी चर्चाएं देख लें, ये समाज के हित में किसान के हित में क्या कर रहे हैं, एक एक जो विषय ये उठाते हैं, जिस समय इनसे मंच पर पूछा जाता है क्या कहा जाता है, तो उसमें से कोई ये नहीं कहता है कि गन्ना का मूल्य बढ़ाइए या MSP को वो करिए, इसके बजाय कहते हैं मोदी हटाओ, योगी हटाओ। अरे, आप राजनीतिक दल नहीं हो, आप किसान हो, आप अपनी बात को कहो, मोदी हटाओ और योगी हटाओ से आपका भला थोड़ा है, और मोदी हटाओ योगी हटाओ कहने का मतलब शुद्ध राजनीतिक आपका वो है, आप कहीं ये नहीं सोचते हो कि किसान का भला हो, आप केवल ये सोचते हो कि राजनीति हमारी कैसे सफल हो। ठीक, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मुकुट बिहारी वर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसान समझदार है और बीजेपी के साथ है, तभी दो जगहों पर बीजेपी को जिता करके सत्ता में
रखा गया है और वो भी किसानों के साथ की बदौलत ही पूरा हो सका है। और आने वाले दिनों में जब 22 के चुनाव भी होंगे तब भी वो साथ जो किसानों का है वो बीजेपी को ही मिलेगा, विपक्षी दलों के जितने भी काम जितने भी क्रियाकलाप हैं वो सब नाकाम हो जाएंगे। अब देखना ये होगा कि 22 के चुनाव में किसानों का साथ किसे मिलता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन मन्ना। खबरों में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।